नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत कस्बा मुबारकपुर के मदरसा बाबुल इल्म में महिलाओं एवं बालिकाओं को बुधवार को अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन कर बालिकाओं को महिला संबंधी अपराधों के प्रति जागरूक करते हुए कहा गया कि वो जब तक आत्मसुरक्षा के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं होंगे तब तक ये घृणित समस्या समाप्त नहीं हो पाएगी। मदरसा बाबुल इल्म में कस्बा चौकी प्रभारी कमल नैन दुबे ने कहा कि शासन प्रशासन महिला अपराध को रोकने और नारी सम्मान के लिए हर संभव प्रयासरत है, लेकिन इस मुहिम में महिला जागरूकता का योगदान अति आवश्यक है, इसके बिना ये अभियान सफल नहीं हो पाएगा। उन्होंने बालिकाओं को अपराध नियंत्रण के अनेक तरीके बताए जिससे बालिकाओं को काफी प्रसन्नता हुई। कार्यक्रम में चौकी प्रभारी कमल नैन दुबे ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि वह खुद को कमजोर और असहाय समझना छोड़ दें और जब भी उनका मान सम्मान पर कोई खतरा नजर आए वह तुरंत प्रशासन को अवगत कराए। जिस दिन वह ऐसा करने लगेंगे उन पर भूल नजर डालने वाले उनके सामने सिर झुका कर चलने पर मजबूर हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट सरफुद्दीन आजमी। इन सब बातों के लिए हम आपके बीच आए हैं। आपके मन में कोई शिकायत हो, कोई सवाल हो तो आप बिना झिझक सर से पूछिए। आपको शिकायत है आप इनके नंबर पे कॉल कर सकती हैं, बता सकती हैं। हमारे बीच तो हमारे कुछ नसीब है कि हमारे मुबारकपुर में एक बहुत ही होनहार मुबारकपुर चौकी इंचार्ज हमारे पास आए हैं। ऐसे बहुत कम समय में इन्होंने अपनी एक अलग शख्सियत की पहचान बनाई है। लोग तीन तीन साल रह के भी इतना फेमस और इतने लोगों के दिल में जगह नहीं बना पाते हैं जितनी जल्दी इन्होंने बना ली है। तो हम इनका फायदा उठाएं, जब तक ये है हम इनके साथ इनका सहयोग करेंगे, हमारा सहयोग करेंगे। तो ये हमारी कुछ नसीबी है। बहुत से आप लोगों ने देखा होगा प्रशासन पुलिस में लोगों को, क्या कभी आपने सुना है इतनी छोटे छोटे चीजों को इतनी प्राथमिकता से लेते हैं? आपने सुना है, फेसबुक उठा के देखिए, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो अपनी वॉल से कुछ न कुछ इनके बारे में न लिखता हो।